अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वह स्नैक्स रेसिपी, 10 मिनट रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो इस रेसिपी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। यहाँ 4 अदद हमने ऑनियन ले लिया है, इसे हमने बारीक काट लिया और उसकी हमने कलियों को अलग कर लिया है। 3 अदद हमने हरी मिर्ची ले ली, जिसे हमने बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून हमने बारीक हरा धनिया काट लिया है। 1/4 कप हमने बेसन ले लिया है। 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है कुटा हुआ, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा जो हमने कुटा हुआ है, 1/2 टीस्पून जीरा कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेस्पून, 1 टेस्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चुटकी अजवाइन और नमक हसबे ज़रूरत। ये चीज़ तमाम इंग्रीडियंट्स चाहिए हमें स्नैक्स रेसिपी बनाने के लिए, टी टाइम रेसिपी बनाने के लिए। चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हमने प्याज ले लिया, इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, कौन कौन से? इसमें हम धनिया ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, कसूरी मेथी, हल्दी, अजवाइन, नमक और जीरा पाउडर, जीरा। ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। उसके अंदर हम हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। अब साथ ही हम इसमें हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के लिए, फ्लेवर डालने के लिए हमने इसमें मसाले ऐड कर दिए। इसकी बॉन्डिंग के लिए हमें डालने हैं बेसन, ऐड करेंगे हम 1/4 कप, 1/4 कप हमने बेसन डाल दिया। उसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे, जब हमें लगेगा कि पानी की ज़रूरत है तो हम पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज के अंदर ऑटोमेटिकली पानी होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने बेसन डाल के और सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और इस बैटर के अंदर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्याज अपना पानी खुद छोड़ती है, इसलिए हम इसे फटाफट बनाने, आपको टिक्कियाँ बनाने सिखाएंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं आप कि हम किस तरह की इसकी टिक्कियाँ बना रहे हैं। ये देखें, ये हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी है। स्नैक्स हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, आप टी टाइम पे भी खा सकते हैं, लंच पे भी खा सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं। आपका दिल चाहे तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। हमने आपको टिक्किया स्टाइल में, कबाब स्टाइल में आपको सिखाए हैं ये बनाना। आपका सिलेंडर स्टाइल में भी बना सकते हैं, टिक्का कबाब में भी बना सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाली है, अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। उसमें हम अपने स्नैक्स डालेंगे ऑनियन के 1/1 करके। तेल गर्म होना चाहिए और तेल कम होना चाहिए। हमारा कुकिंग ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, उसके अंदर हम ऑनियन स्नैक्स ऐड करेंगे 1/1 करके, जो हमने कबाब स्टाइल में आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने इसके अंदर स्नैक्स ऐड कर दिया है फर्स्ट, और हम 1/1 करके सारे ऐड कर देंगे। हमने सारे ऐड कर दिए थे। तेल अच्छी तरीके से आपका गर्म होना चाहिए और तेल इसके अंदर कम भी होना चाहिए, टूटेंगे और आपको अभी तक बिल्कुल इसे टच नहीं करना जब तक इसकी एक तरफ से थोड़े हार्ड ना हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने स्नैक्स इसमें ऐड कर दिए हैं ऑनियन के अंदर। आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा लुक आ रहा है, किस तरह से ये कुक हो रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आप चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टी टाइम पर ज़रूर बनाइएगा, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने अपने ऑनियन स्नैक्स को पलट दिया है, साइड इसके चेंज कर दिए, क्योंकि जब तक इसको नहीं छेड़ना जब तक ये एक तरफ से हार्ड नहीं हो जाते, वरना ये टूट सकते हैं, बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, इसलिए आपको चाहिए एहतियात के साथ इसको इसकी साइडें चेंज करें। एक तरफ से माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर आ चुका है, दूसरी साइड से भी इसी तरह सा कलर दे देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे ऑनियन स्नैक हो चुके हैं कम्प्लीट रेडी, दोनों साइडों से अच्छी तरीके से कुक हो जाए। इसी तरह हम सारे कुक कर लेंगे और हम करेंगे आपको सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे ऑनियन स्नैक्स हो चुके हैं कम्प्लीट रेडी और उसको हमने सर्व कर लिया है कैचअप के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।